पूछता जा रहा है, कहते हैं मौला आज एक बात तो बताएं, आपका जाहिर क्या है, बातिन क्या है? जाहिर क्या है, बातिन क्या है? जाहिर क्या है मौला सातवें नाम से, आपका जाहिर क्या है? वैसे बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे ये कसीदा सुनाना नहीं चाहिए। आपको नहीं सुन वाले फिर पढ़ के चले जाते हैं, फिर बताना आपको पढ़ता है कहां लिखा है। मैं बता भी रहा हूं अलादा भी दे रहा हूं। बोला अच्छा आपकी ख्वाहिश नहीं है कि पता चले इनका जाहिर क्या है बातिन क्या है? क्या आप नहीं चाहते? तो यही बात साहिल ने पूछ ली आपके लिए, मौला आज बता ही दे आपका जाहिर क्या है बातिन क्या है। कहते सुनो जाहिर हुआ बशरिया तो बातिन हुआ लाहूतिया। मैं नारा लगा दूं क्या? अगर इमाम होते ये अपनी शान और कसीदा वो बयान कर रहे होते तो खामोशी से सुनते, ऐसे ही सुनते मौला जाहिर क्या है बातिन क्या है? कहते जाहिर हुमा बशरिया वो बातिन हुमा लाहूतिया। जाहिरी शक्ल बशरी है, हमारा जाहिर बशरियत है, बातिन हुआ लाहूतिया, बातिन लाहूती है। लाहूती उसे कहते हैं जो अकल से मामला हो, जाहिर बशरी, जाहिर क्या है बशरी, बातिन लाहूती। अच्छा वो साहिल भी बड़ा तेज किस्म का था, कोई मलंग मवादी था लग रहा है, कोई खाबर भाई जैसा लग। हाँ वो टिकी नहीं रहा, जब कहा ना जाहिर बशरी बातिन लाहूती, फिर क्या जरूरत थी ये बशरी लिबादा ओढ़ गई आने की? मौला लाहूती रहते ये बशरी लिबास पहन के आने की जरूरत क्या थी? आज हर मोमिन चाहता है कि पता चले कि लाहूती थे तो बशरी लिबादे में क्यों आए। इमाम ने इसका जवाब दिया, इमाम ने जब साहिल ने पूछा मौला लाहूती थे तो बशरी लिबास में क्यों आए, तो फरमाते ले जो तीर को रूहिया का हुमा ताकि तुम हमारी ज़ियारत कर लो। मौला जाहिर बशरी बातिन लाहूती,
मगर ये क्या जरूरत थी इन बेशर्मों में बशरी लिबास पहन के आने का, तेरे कदर ही नहीं थी। कहा हम बड़ा बनाते हम इनके लिए थोड़ी आए,